तो मैम आप कभी आपके पास ऐसा हुआ कि कोई अपना किसी का कोई लव मैटर और लेकर आया आपके पास कि मैम इसमें काउंसलिंग कर दो? बिल्कुल बिल्कुल होता है, छोटी एज के जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं वो मतलब जो एज ग्रुप क्या हो गया वो आपका लगा लीजिए 14 इयर्स से 18 इयर्स के बीच के बच्चे, वो ये सोचते हैं कि मुझे मतलब मेंटल ट्रॉमा या मुझे ऐसी डिजीज हो गई। हमारे साथ जुड़ चुकी है मैम हमारी डॉक्टर पल्लवी मैम। मैम स्वागत है मिटन महीने पे आपका। मैम ने बहुत मुश्किल से टाइम दिया क्योंकि मैम बहुत बिजी रहती हैं, तो यह है कि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा मैम से भी हम बात करेंगे। एक्चुअली मैम हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, तो हम मैम को पहले मैम के घर में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मैम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फिर हम बात करते हैं। तो यह है कि अभी हम जुड़े रहिए मीटअप मैनिया में, अभी ढेरों बातें होने वाली है हमारी मैम के साथ में, और देखते रहिए मीटअप मैनिया। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर पल्लवी मैम। मैम होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत सारे मैम एनजीओज जो हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रहती हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीटअप मैनिया पे। थैंक यू सो मच। मैं वैसे स्कूल हेल्थ में ही पोस्टेड हूँ, वुमेन और चाइल्ड हेल्थ पे काम कर रही हूँ 2013 से अभी तक डेट में एज अ महिला चिकित्सक के रूप में। तो मैम हमारी बहुत बिजी रहती हैं। मैम एक वेल नोन फेस हैं नैनीताल का, क्योंकि मैम जितने भी हमारे चैरिटी के एक्टिविटीज होती हैं या कोई सोशल एक्टिविटीज होती है मैम उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैम से ही जान लेते हैं कि मैम आप मेरे को एक चीज बताइए कि एक आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, एक आपका क्लिनिक भी चल रहा है, आप पेशेंट्स को आप ऑनलाइन भी पेशेंट्स को डायग्नोज करती हैं, और यह है कि तो आप इतना सब कुछ करने के बाद में कैसे मैनेज करती हैं चीजों को कि फैमिली में भी टाइम देना है और अपना एक जो आपका सोशल वो है, एक आपका जो क्राइटेरिया है वहां पे भी आपको पूरा वो करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं थोड़ा सा प्लीज बताइए। जो ह्यूमन लाइफ हमें एक बार ही मिलती है मेरा मानना ही है, और जो हमारी एज है एनर्जेटिक जो यंग एज है, हम सोचते हैं इसमें हम जितना कर सकें अपना 100% देने की कोशिश, तो मुझे भी कभी कभी लगता है लेकिन कर लेती हूँ वो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना हम काम करते हैं तो एनर्जी जो होती है और ज़्यादा बूस्ट होती है बनती है, बजाय अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं अगर मुझे एक लगता है जैसे हमें संडे मिलता है तो मैं लेजी हो जाती हूँ, तो वर्क करने से हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मल्टीपल टास्क करने से एक्टिव रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, थके रहते हैं, नींद अच्छी आती है, जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे दिखता है। तो मेरा मानना है कि जब तक आप कर सकते, कोई आपको हेल्थ इश्यू नहीं है तो आपको काम करते रहना चाहिए। तो मैम मैं आपसे थोड़ा सा इसी नोट के साथ ये जान लेता हूँ कि जैसे कि हमारा एक कोविड का जो एक गया है वेव 1 वेव 2, तो कोविड में लोग घरों में बिल्कुल एकदम जेल जैसा एक एटमॉस्फेयर हो गया था। स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत एंजॉय करा, बट एक ये है कि थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा सा लोगों को एक मेंटल इश्यूज और एक हो गया था कुछ एक डिस्टर्बेंस। तो आपके पास भी कुछ ऐसे मैटर्स आए होंगे कोविड के बाद में कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपने कैसे क्या आपके पास में मैटर्स आए और आपने लोगों को कैसे ट्रीट करा? अभी भी होता है कई लोगों को जो कोविड पॉजिटिव हुए तो उनको ये लगता है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उसके बाद। वैसे अभी तक उसका वैसे साइंटिफिक प्रूफ देखा जाए तो नहीं है ना मेडिकल, लेकिन लोग में मिथ है कि कोविड हुआ पॉजिटिव हुए तो उसके बाद हमारे आर्म में पेन है, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है कई लोगों को। ये तो समझाते हैं हम, काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा नहीं है सोचना आप, क्योंकि नेगेटिविटी जितना आप माइंड में लेके आएंगे उतने नेगेटिव और ज्यादा होंगे। वो सुनाई तो देता है कि आपका जैसे कि जो कोविड पॉजिटिव हुआ उसके बाद कई हेल्थ इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी जब तक प्रूफ नहीं है तो हम उसको नहीं मानते हैं। तो उसको सिर्फ हम काउंसलिंग करना कि आप आज मतलब अपने आप को जितना पॉजिटिव रहे, उतने बड़े पैंडेमिक से हम निकल के आए बहुत बड़ी बात है, और हमारा इंडिया ही नंबर 1 पे था जो कोविड वैक्सीन सबसे पहले बनी और हमने पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स थी हम लोग के साथ में, तो उस चीज को पॉजिटिव वाइब्स को लेके चलना ज्यादा ठीक है। मेरे मैं अपनी तरफ से काउंसलिंग में ये जरूर बताती हूँ, क्योंकि आप जितना सोचेंगे ना तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, तो इसलिए ठीक है हो सकता है कार्डियक प्रॉब्लम कई चीजें हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते पेशेंट को, तो उसके मतलब मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। हो सकते हैं क्योंकि कई जो जैसे फीमेल पेशेंट और बच्चे मेरे पास ज्यादा, तो फीमेल पेशेंट भी बताती है कि मैम हम लोग को जो फीमेल ट्रबल होते हैं पहले ऐसा नहीं था और अब ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कि एज अ डॉक्टर अगर मैं उन्हें कहूंगी तो हो सकता है उनका जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़े, तो इसलिए हमें हमारा काम है समझाना। तो हम लोग ये समझाते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं, आप इसको दिमाग से निकाल दें और पॉजिटिविटी को माइंड में लाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मैं मैसेज देती हूँ हमेशा। तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात की। मैम मैं आपसे बस एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि आप मैं आपको सुन रहा हूँ और आप बहुत ही एक
काम वे में अपने आप को बहुत ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हमारी कि जो काउंसलिंग से रिजॉल्व हो सकती हैं बिना मेडिसिन के? बिल्कुल, जो मैं जिस पोस्ट पे हूँ, स्कूल हेल्थ, RBS के बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें कि आपका पहले 0 to 18 years था, अब 0 to 19 years के जो बच्चे होते हैं तो उनकी काउंसलिंग कराना मेन, और जो फीमेल होती है रूरल एरिया में उनको काउंसलिंग कराना, उनको बताना 19 years में आप ये मान लीजिए कि 13 से मेनार्की स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा जो किशोरावस्था होती है तो बड़ा ही बच्चा माना जाता है 13 to 19, तो उसको मेन क्या होता है ना, काउंसलिंग कराना। अब हेल्थ इश्यूज हुए, किसी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, गर्ल है, लड़की है, उसको ठीक है आपका प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हुआ, कई चीजें ऐसी होती है वो सोचती है डिजीज है, जबकि डिजीज नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, तो हम काउंसलिंग से उनको ट्रीट करते हैं। और वैसे आजकल आपको पता है कि मार्च इसको वुमन मंथ भी बोलते हैं, वुमन एम्पावरमेंट मंथ भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी काउंसलिंग करना कि एट बर्थ अगर कहीं कोई आपको विजिबल डिफेक्ट दिखता है, जैसे विजिबल डिफेक्ट, मैं बहुत ज्यादा मेडिकल में नहीं जाऊंगी, हाँ, मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, हमारे व्यूअर्स भी समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये कि उसको बताना उसके बारे में कि आपको पता चलता है तो हमें आप बताएं, हेल्थ वर्कर को बताएं, जिससे हायर सेंटर पे इन्फॉर्मेशन आ सके, सॉल्यूशन भी देते हैं, हाँ बिल्कुल, प्राइमरी लेवल पे हम ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो हमारे लेवल का नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का है, तो हम उसको रेफर करते हैं, हाँ, हायर सेंटर में बुलाते हैं, हायर सेंटर फिर हमारे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, मैक्स हॉस्पिटल तक आपका देहरादून दिल्ली तक का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसके लिए। तो मैम अगर जैसे किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो, तो मैंने सुना है कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मेरा यूट्यूब चैनल किस नाम से, सोशल हेल्दी आउटलुक के नाम से, हेल्दी आउटलुक, स्पेल कर देंगे आप एक बार, स्पेल कर देंगे, मैं आपको लिंक शेयर, अच्छा ओके, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ड्रॉप कर देंगे, तो पल्लवी हेल्दी आउटलुक, क्योंकि एक भी अगर स्पेलिंग इधर उधर होगी तो फिर मेरा चैनल, कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा। मैम ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो हमारा जो यूथ है थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे कुछ ऐसी वो होती है कि नहीं डिस्कस कर पाता, तो काउंसलिंग से काफी सारी जो एक हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो कोई भी मतलब मींस अगर किसी को कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं या किसी भी तरह की कोई भी काउंसलिंग? नहीं, सर मैं पर्टिकुलर फील्ड, बच्चे तो हैं लेकिन एडल्ट भी है, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और जो मेरा यूट्यूब चैनल है और आपका सोशल मीडिया पर मेरा हेल्दी डॉक्टर पल्लवी हेल्दी आउटलुक के नेम से पेज भी है, तो उसमें काउंसलिंग सेशन जो होता है वो हर एक कोई एज ग्रुप पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है, आपका एक यंग एज है तो एम्प्लॉयमेंट का हो गया, बीच की एज है तो फैमिली हो गई, तो हर लेवल पे हम लोग काउंसलिंग, और आजकल आप मान के चलेंगे कि 70% डिजीज नहीं होती है, मेंटल इश्यूज ज्यादा होते हैं जो कि काउंसलिंग से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मैम कभी आपके पास ऐसा हुआ कि कोई अपना किसी का कोई लव मैटर और लेकर आया आपके पास कि मैम इसमें काउंसलिंग कर दो? बिल्कुल होता है, छोटी एज के जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं वो मतलब जो एज ग्रुप क्या हो गया वो आपका लगा लीजिए 14 years से 18 years के बीच के बच्चे, वो ये सोचते हैं कि मुझे मतलब मेंटल ट्रॉमा या मुझे ऐसी डिजीज हो गई, इनफैक्ट छोटे बच्चे मतलब मुझे ऐसा प्रेशर, जबकि वो कुछ भी नहीं होता, और इन्फेचुएशन या समथिंग, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो एक आपको हार्मोनल चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंज इज द करेक्ट मेडिकल टर्म, हाँ, लेकिन वो सोचता है कि डिजीज रूम है, जबकि डिजीज नहीं है, वो तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसको हम लोग काउंसलिंग से फिर बच्चों को बताते हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप अपने करियर पे फोकस करो, मेन हमारा यही मोटिव रहता है। तो आप गाइस आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारी मैम का चैनल है आप उसको जाके विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है मैम का कंटेंट तो उसको सब्सक्राइब करें, और आप मैम से अपने कमेंट्स के थ्रू या अपने मेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां मेल पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं हमारी मैम से कि जो भी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी, जैसा मैम अब सर्व कर रही हैं रूरल एरियाज में हमारे, तो तब तक के लिए देखते रहिए मीटअप में और मेरा फॉलो पेज भी फॉलो कर दें।